राधे राधे फ्रेंड्स, राधा माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिना प्याज लहसुन के करेले की एकदम टेस्टी सब्जी, जो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। साथ ही बनाएंगे इंस्टेंट भंडारे वाला बूंदी का रायता। सबसे पहले करेले को वॉश करके मैंने गोल शेप में कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच भर के नमक। नॉर्मल नमक यूज किया है और अब इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है सारे नमक को। सारे करेला में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको सोक करने के लिए रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे नमक के साथ सारी कड़वाहट इसकी निकल जाती है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। और अब इसको ढक कर रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारे करेले में से अच्छे से पानी निकल आया है। और अब इसको 2 से 3 बार वॉश करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें नमक लगे करेले मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। आप इसे अच्छे से पानी डालकर अच्छे से प्रेस करते हुए वॉश कर लेना है। इससे इसकी सारी करवाट नमक के पानी के साथ अलग हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस प्रोसेस को 2 से 3 बार करना है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 बार वॉश करने के बाद इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी रह गया है उसको इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए निकालते जाएंगे और दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। इस तरह से सारे रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारा पानी एक्स्ट्रा मैंने अलग कर दिया है और हमारे करेले एकदम ड्राई हो गए। इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डलेगा, इसे क्रंची टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा। 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर देना है। अच्छे से हमारे करेले में सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। फ्रेंड्स, ये एकदम अलग तरीका है करेला बनाने का बिना प्याज लहसुन के। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। आप फुल वीडियो वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब इसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच ज़ीरा और चुटकी भर हींग और अच्छे से सेकेंगे। ज़ीरा सेकने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच छना हुआ बेसन, इसको मैंने छान के रख लिया था, और ऑयल में अच्छे से सेक लेंगे इसको। अच्छे से लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन हो जाएगा, सिकने पर खुशबू आने लगेगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे बेसन के सिकने के बाद बबल्स बनने लग गए हैं और कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले मिले हुए करेले, जो हमने अभी मसाले मिला के रखे हुए हैं। और अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। बेसन में सारे हमारे करेला मिक्स हो जाने चाहिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, स्लो फ्लेम पर ढकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट ही ढका था और ये अच्छे से बन गए हैं। और एक चेक कर लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है, पक गया है, हमारे करेले बन के रेडी हैं। और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन खट्टा ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ऐड करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और हमारे करेले बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बिना प्याज लहसुन के एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। रायते के लिए 1 कप फ्रेश दही लेंगे और अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे 2 से 3 मिनट। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये तुलसी पत्र है। अब इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच सादा नमक ऐड करके
सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर देने इस तरह से। मैं एक चम्मच ऑयल गरम होने रख दिया था, एक चम्मच जीरा चुटकी भर हींग डालेंगे। स्प्रिंकल होने के बाद कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और गरम गरम तड़का मारे नहीं मैं ऐड करेंगे। साथ ही 4 से 5 कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और ये है रायते वाली बूंदी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको भी ऐड करेंगे। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारा चटपटा मंडारे वाला रायता बनके बिल्कुल रेडी है। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आप। तो फ्रेंड्स दोनों रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।